दोस्तों, अगर आप कोई अकाउंट का कोर्स सीख रहे हो या फिर जस्ट आपने अभी किसी कंपनी में एज ए अकाउंटेंट की पोस्ट पे शुरुआत करी है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे तो ये वीडियो हर एक अकाउंटेंट के लिए ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन फ्रेशर अकाउंटेंट के लिए कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारा CGST का जो रूल 46 है, ये कहता है कि अगर आपकी कंपनी कस्टमर को टैक्स इनवॉइस इशू करती है तो उसके ऊपर कुछ 16 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको आपको क्लियरली मेंशन करना अब आपके लिए मैंडेटरी हो गया है। कौन कौन से ऐसे 16 पॉइंट्स हैं जो आपको कस्टमर को जब आप सेल इनवॉइस इशू करोगे टैक्स इनवॉइस है तो उसके ऊपर आपको ये 16 पॉइंट्स होने कंपलसरी है। तो सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकली, और इन सभी ऑप्शन की सेटिंग कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग को हम टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में किस प्रकार से करेंगे, कौन कौन सा ऑप्शन हमें कहाँ कहाँ से मिलेगा, कौन से ऑप्शन को हमें यस करना है, कौन से को नो करना है, सब कुछ आपके सामने प्रैक्टिकली वीडियो रहने वाला है। तो इसके लिए वीडियो को आप एंड तक देखोगे तभी आप सारी बातें समझ पाओगे कि हम इन सभी 16 पॉइंट्स के बारे के अंदर इस टेली सॉफ्टवेयर के अंदर सेटिंग किस प्रकार से करनी है और ये 16 पॉइंट्स हमें कहाँ कहाँ टैक्स इनवॉइस के ऊपर दिखाने जरूरी है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहन सुथार और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी आप जरूर हिट कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको अकाउंटिंग से रिलेटेड इसी टाइप की नॉलेजेबल वीडियो लगातार मिलती रहेगी। और वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक करें, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी जरूर करें। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो दोस्तों, सबसे पहले हम एक बार उन सभी 16 पॉइंट्स पे हम डिस्कस करेंगे और उन सभी की जो हमारे पास ऑलरेडी ये टैक्स इनवॉइस बना हुआ है ये आपको कहाँ कहाँ दिखाई देगा, उसके बाद हम चलेंगे टैली सॉफ्टवेयर पे। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट नंबर एक क्या कहता है, बी नेम एड्रेस एंड GST नंबर ऑफ द सप्लायर्स, यानी कि अब सप्लायर्स कौन से हो गया जो गुड्स को सेल कर रहे हैं। अब सेल करने का मतलब क्या हो गया, अब आपकी कंपनी है श्रीराम एंड कंपनी, तो अब आपकी श्रीराम एंड कंपनी जब अपने कस्टमर को सेल इनवॉइस इशू करेगी तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा भी उसका प्रॉपर एड्रेस, यानी कि जो एज पर GST के अंदर रजिस्ट्रेशन के अंदर ऑलरेडी चल रहे हैं, उसके बाद में GST नंबर, उसका स्टेट, स्टेट का कोड, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, ये कंपलसरी होना जरूरी है। यानी कि इतना कंपलसरी है, इसके अलावा और इन्फॉर्मेशन भी आप दे सकते हो। उसके बाद में दो नंबर इश्यू आता है भी टैक्स इनवॉइस नंबर अप टू 16 करेक्टर, इट मस्ट बी जनरेटेड कंसेप्टली यदि ईच टैक्स इनवॉइस हैव ए यूनिक नंबर दैट इज फाइनेंशियल ईयर, यानी इसका कहने का मतलब है भी जो आपका टैक्स इनवॉइस रहेगा उसका जो इनवॉइस नंबर है वो इनवॉइस नंबर आपका कुछ स्पेशल इस यूनिक कोड के अंदर रहना चाहिए। जैसा कि आपका, जैसे हमारी कंपनी है श्रीराम एंड कंपनी, तो जैसे उसका हमने स्टार्टिंग के अंदर ऐसा RAC लगा दिया, स्लैश फाइनेंशियल ईयर 22-23 लिख दिया, उसके बाद में जो आपकी इनवॉइस नंबर की सीरीज 1, 2, 3, 4, 5 है वो लगातार चलती रहेगी, तो ये आपका यूनिक हो गया। और उसके साथ साथ ये जो आपका नंबर है ये 16 डिजिट से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, तो ये आपको ध्यान में रखना है। पॉइंट नंबर हम 3 की बात करेंगे, डेट ऑफ इश्यू, यानी कि जो आपने इनवॉइस बनाया है वो डेट वहाँ पर कंपलसरी होनी चाहिए, जैसे कि आप डेट देखते हो 18 अक्टूबर 2022 यहाँ पर आया हुआ है। उसके बाद में पॉइंट नंबर 4 की अगर हम बात करें भी इफ़ दी बायर रिसिपियंट इज रजिस्टर्ड देन नेम एड्रेस एंड GST नंबर ऑफ द रिसिपियंट, यानी कि अब आपका जो कस्टमर है अगर वो रजिस्टर्ड है यानी कि उसके पास GST नंबर है तो उस कंडीशन के अंदर उस कस्टमर का प्रॉपर एड्रेस नाम के साथ होना चाहिए। जैसा कि ABC कंपनी को हमने इशू किया, उसके बाद में उसका शॉप का एड्रेस एज पर GST के अनुसार, उसके बाद में उसका GST नंबर, उसका पेन नंबर, उसका स्टेट का नेम और उसका स्टेट का कोड, ये कंपलसरी है। उसके बाद पॉइंट नंबर अगर हम 5 की बात करें भी इफ़ द रिसिपिएंट नॉट रजिस्टर्ड एंड वैल्यू मोर देन 50,000 देन द इनवॉइस शुड बी कैरी, यानी कि इसका कहने का मतलब आ गया, अगर आप अपने कस्टमर को सेल करते हो अगर वो कस्टमर आपका अनरजिस्टर्ड है यानी कि URD पर्सन है, उसके पास GST नंबर नहीं है, लेकिन उस दौरान अगर आप उसको टैक्स इनवॉइस इशू करते हो और उसकी इनवॉइस की वैल्यू 50,000 रुपये से की ज़्यादा की है तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होगा भी कस्टमर का नाम एड्रेस तो आपको लिखना ही है,
एड्रेस ऑफ डिलीवरी यानी कि सामान ये आपका कहाँ पर आपका सामान पहुँचा रहे हो, और स्टेट नेम और स्टेट का कोड, ये तीन चीज़ें कंपलसरी हो जाएगी। यानी कि इसके अंदर सिर्फ ये रहेगा कि कस्टमर का जीएसटी नंबर नहीं लिखा जाएगा, बाकी सारी की सारी चीज़ें ये रजिस्टर्ड नंबर वाली ही लागू हो जाएगी। अगर इनवॉइस की वैल्यू 50,000 रुपये से ज़्यादा की है तो यहाँ पे लिखा हुआ है वैल्यू मोर देन। तो पॉइंट नंबर अगर हम 6 की बात करें, एचएसएन कोड ऑफ गुड्स ऑफ सर्विस अकाउंटिंग कोड ऑफ सर्विस, यानी कि जो हमने कस्टमर को जो प्रोडक्ट हमने इशू किए हैं उस प्रोडक्ट का एचएसएन कोड कंपलसरी है। एचएसएन कोड उसका प्रॉपर 6 डिजिट या 8 डिजिट के साथ होना जरूरी है। उसके बाद में पॉइंट नंबर 7 की बात करें, डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स या फिर सर्विस, यानी कि अगर डिस्क्रिप्शन भी आप यहाँ पर दे सकते हो, डिस्क्रिप्शन भी आपको देना पड़ेगा, भी आइटम का नाम वगैरह ना यह लिखा हुआ डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, तो आइटम का नाम भी प्रॉपर एज पर मतलब सीजीएसटी एक्ट के अनुसार नाम बिल्कुल सही होना चाहिए, प्रोडक्ट का पूरा नाम यहाँ पर आपको लिखना है, शॉर्ट नाम नहीं चलेगा। उसके बाद में पॉइंट नंबर 8, भी क्वांटिटी ऑफ गुड्स नंबर यूनिट यूकेसी मीटर केजी, यानी कि जो आपकी क्वांटिटी है वो भी यहाँ पर आपको दिखानी पड़ेगी स्पेशल यूकेसी, यानी कि ये जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो ये किसके अंदर सेल कर रहे हो, केजी के अंदर है, पीसीस के अंदर है, लीटर के अंदर है, क्विंटल के अंदर है, ग्राम के अंदर है, तो ये क्वांटिटी आपको मेंशन करना कंपलसरी है। उसके बाद में बात करते हैं हम पॉइंट नंबर 9 की, टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, यानी कि टोटल वैल्यू भी इनवॉइस के अंदर दिखनी चाहिए। टोटल वैल्यू का मतलब नेट अमाउंट विद जीएसटी इंक्लूड अमाउंट, तो ये आपके फाइनल अमाउंट भी आपको यहाँ पर दिखेगी। उसके बाद बात करते हैं पॉइंट नंबर 10 की, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई आफ्टर एडजस्टिंग एनी डिस्काउंट, यानी कि टैक्सेबल वैल्यू का भी जो डिटेल्स है वो भी आपके पास यहाँ पर अलग से मेंशन होना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हो टैक्सेबल वैल्यू इसके अंदर 80,000 रुपये की है, 2,000 रुपये सीजीएसटी है, 2,000 रुपये एसजीएसटी है, तो ये टोटल 4,000 रुपये टैक्स बन गया। तो टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स के अमाउंट को जोड़ेंगे तो 84,000 रुपये बन गया। यानी कि कहने का मतलब इसके अंदर टैक्सेबल वैल्यू की और जीएसटी की अमाउंट का अलग अलग ब्रेकअप भी आपको इनवॉइस के अंदर दिखाना जरूरी है। उसके बाद में पॉइंट नंबर 11 की अगर हम बात करें, भी एप्लीकेबल रेट जीएसटी रेट सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी एंड दी सेज दी क्लियर मेंशन, यानी कि एप्लीकेबल जो रेट है जीएसटी का वो यहाँ पर आना चाहिए। अब ये दोनों बातें यहाँ पर लागू होती है, भी एक तो आपका उस प्रोडक्ट के सामने जीएसटी रेट होना जरूरी है, ये जो प्रोडक्ट है डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स के अंदर ये प्रोडक्ट कौन से जीएसटी रेट के अंदर आता है, और उसके बाद के अंदर ये यहाँ पर जो डिटेल्स है ये भी आपकी अलग अलग मेंशन होनी चाहिए, भी इसके अंदर 2% सीजीएसटी कितना है, 2% एसजीएसटी कितना है, 6% सीजीएसटी कितना है, 6% एसजीएसटी कितना है, यानी कि अलग अलग मेंशन होना जरूरी है पूरा ब्रेकअप के साथ में। और उसी तरीके से अमाउंट ऑफ टैक्स विद ब्रेकअप अमाउंट सीजीएसटी, जैसे अभी हमने बात किया, तो ये भी आपका जीएसटी 5% सीजीएसटी 2% एसजीएसटी 6% सीजीएसटी 9% 14% का अलग अलग ब्रेकअप होना चाहिए। पॉइंट नंबर 13 की अगर बात करें, भी प्लेस ऑफ सप्लाई एंड नेम डेजिग्नेशन स्टेट एंड इंटर स्टेट सेल्स, यानी कि प्लेस ऑफ सप्लाई एंड नेम ऑफ डेजिग्नेशन, यानी कि ये जो हम अगर कस्टमर को आउट ऑफ स्टेट अगर हम सेल कर सकते हैं तो उसका डेजिग्नेशन यानी कि जो पूरी डिटेल के साथ में उसका स्टेट कोड भी वहाँ पर रहना चाहिए, ये दोनों के अंदर लागू रहेगा इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट, तो उसका पूरी डिटेल्स यहाँ पर उस कस्टमर का रहना चाहिए। और इस दौरान आपका ये दोनों एड्रेस होना जरूरी है, भी आपका अगर जो माल अगर शिप टू अलग हो रहा हो और उसके बाद में बिल टू अलग हो रहा हो, यानी कि माल आप किसी और को कंपनी को दे रहे हो लेकिन बिल आप किसी दूसरी कंपनी के नाम से बना रहे हो, तो ये दोनों चीज़ें आपको अलग अलग मेंशन करना जरूरी है शिप टू और बिल टू का। अगर सेम है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर अलग अलग है तब तो आपको मेंशन ये करना जरूरी है, शिप टू का एड्रेस आपका अलग रहने वाला है, बिल टू का एड्रेस आपका अलग रहने वाला है। तो पॉइंट नंबर अगर हम बात करें 14 की, भी डिलीवरी एड्रेस इन दी डिफरेंस फ्रॉम दी प्लेस ऑफ सप्लाई, तो जैसे कि अभी ने बात किया, अगर आपका शिप टू और बिल टू अलग अलग है तो ये आपको मेंशन करना जरूरी है। उसके बाद पॉइंट नंबर 15 की हम बात करें, वेदर जीएसटी इज पेबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ देना पड़ेगा भी इस इनवॉइस के ऊपर ये जो RCM लागू होता है या नहीं होता, नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर लागू होता है तो आपको यहाँ पर डिटेल देनी पड़ेगी RCM की, तो ये तो खाली टैक्स इनवॉइस है तो इसका चांस कम होता है। और उसके बाद में सिग्नेचर ऑफ द सप्लायर्स और ऑथराइज्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब कहने का मतलब जो आपका सिग्नेचर अथॉरिटी है तो लास्ट के अंदर आपकी इनवॉइस के ऊपर यहाँ पर ये साइन का जो अथॉरिटी सिग्नेचरी का ऑप्शन जो आता है ये होना कंपलसरी है।
आप इसके लिए आप डिजिटल सिग्नेचर का भी आप यूज कर सकते हो, अदरवाइज ये ऑथोराइज्ड साइन आपका प्रोप्राइटर का है, मैनेजर का है, अकाउंटेंट का है, वो यहाँ पर मेंशन होना कंपलसरी है। तो ये 16 ऐसी बेसिक बातें हैं जो आपको टैक्स इनवॉइस बनाते वक्त जरूरी है। अब उसके बाद हम बात करते हैं ई इनवॉइस की और ई वे बिल की। अब ये अगर आपकी कंपनी जीएसटी में रजिस्टर्ड है और आपकी कंपनी किसी कस्टमर को अगर टैक्सेबल सप्लाई वैल्यू ज़्यादा करती है तो आपको ई वे बिल बनाना कंपलसरी है, तो उस दौरान आपके इनवॉइस के ऊपर ई वे बिल भी होना कंपलसरी है। अगर आपकी कंपनी की टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा की है तो आपकी कंपनी की लायबिलिटी बनती है कि वो ई इनवॉइस भी बनाए। अगर वो ई इनवॉइस बनाती है तो ई इनवॉइस के दौरान जो इसका 64 डिजिट का जो IRN नंबर होता है वो भी यहाँ पर होना जरूरी है, एनक्लोजमेंट नंबर भी होना जरूरी है और एनक्लोजमेंट डेट भी होना उस टैक्स इनवॉइस के ऊपर जरूरी है। और इसके साथ साथ आपको यहाँ पर एक QR कोड जनरेट होता है, वो QR कोड भी यहाँ पर आपके टैक्स इनवॉइस के ऊपर होना जरूरी है। और सबसे पहले आपके इनवॉइस के हेडिंग के अंदर ये टैक्स इनवॉइस लिखा हुआ होना भी बहुत ही जरूरी है। तो ये बेसिक पॉइंट्स अब आपको CGST रूल के अनुसार, CGST को जो हमारा रूल है 46 का, ये आपको फॉलो करना कंपलसरी हो गया है अगर आपकी कंपनी GST के ये कंप्लायंस पूरे करती है। तो अब हम बात करते हैं कि इन सभी के ऑप्शन की सेटिंग को हम टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में एप्लीकेबल किस प्रकार से करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहला जो पॉइंट था ना हमारा भी नेम ऑफ एड्रेस एंड GST नंबर ऑफ सप्लायर, तो अब नेम ऑफ कंपनी ये डिटेल आपको कहाँ करनी पड़ेगी, जब हम कंपनी क्रिएट करते हैं, हम एक बार एल्टर करते हैं। अब जब भी आप इसी कंपनी को वापस करते हैं एल्टर पे, और जब हम कंपनी क्रिएट करते हैं ना तो ये हमारी कंपनी का एड्रेस तो प्रॉपर जब हम कंपनी क्रिएट करते हैं उसी वक्त ही लिखा जाता है, और वहीं हमारा कंपनी का स्टेट कोड, पिन कोड, जो हमारा मोबाइल नंबर, वेबसाइट वगैरह सारी डिटेल यहाँ पर लिखी जाती है। तो ये तो डिटेल आ गई यहाँ पर, अब बात आएगी हमारा GST नंबर कहाँ लिखा जाएगा। अब जो GST नंबर हम कहाँ लिखा जाएगा, कंपनी क्रिएट होगी उसके बाद हम चलते हैं F11 शॉर्टकट पे। अब उसके बाद के अंदर क्या करेगा, GST नंबर को यस करेंगे हम इसको, और जैसे हम इसको यस करने वाले हैं तो यहाँ पर यस करने के बाद में ये ऑप्शन आएगा GST नंबर का, तो हमारी कंपनी का जो GST नंबर है वो हमें यहाँ पर लिखना है। उसके बाद के अंदर बात आएगी भी आपको पैन नंबर कहाँ पे लिखना है, तो जैसे हम इसके ऑप्शन आएगा मोर डिटेल्स, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा मोर डिटेल्स का, हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक जनरल डिटेल्स के अंदर ऑप्शन आ जाएगा पैन एंड CIN यानी कि कंपनी इन्फॉर्मेशन का, आइडेंटिटी नंबर का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर क्लिक करके आप अपना पैन नंबर और कंपनी का आइडेंटिटी नंबर भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, दोनों आपके पास होनी चाहिए अगर आपकी कंपनी है तो। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, उसके बाद में जो हमारा ये टैक्स इनवॉइस नंबर है, अब टैक्स इनवॉइस का नंबर हम कहाँ लिखते हैं भी, जब हम कस्टमर को सेल इनवॉइस करते हैं तो ये हमारा शुरुआत के अंदर ये नंबर लिखा जाता है। तो अब आपको ये पता नहीं है अभी इस यूनिक नंबर की सेटिंग हम किस प्रकार से करते हैं, तो आपको हमारे इस चैनल पर ये इसका वीडियो मिल जाएगा, तो मैंने पूरी डिटेल के साथ इसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि हम यूनिक नंबर के साथ सेल इनवॉइस की स्टार्टिंग किस प्रकार से कर सकते हैं, तो इस वीडियो का आप ज़रूर देख लीजिएगा तो वो आपको मिल जाएगा। और ये 16 डिजिट से ज़्यादा का होना नहीं चाहिए। और उसके बाद के अंदर जो हम मेन मेन पॉइंट, डेट ऑफ इश्यू तो हमारा साथ के साथ आ ही जाएगा, और उसके बाद में इफ़ बायर रजिस्टर्ड तो इसका एड्रेस GST नंबर, अब बायर का GST रजिस्टर्ड नंबर आपको कहाँ लिखना है, जब हम कस्टमर का लेज़र क्रिएट करते हैं तो ये सारी डिटेल हम यहाँ पर लिख देते हैं, उसकी कंपनी का नाम, एड्रेस, इसका पिन कोड, सारी डिटेल, उसका पैन नंबर, रजिस्टर्ड नंबर रेगुलर है तो GST नंबर वगैरह सारी कंपनी क्रिएट करते वक्त ही आ जाएगा। और उसके बाद में बात करते हैं अगले पॉइंट की, और उसके बाद में डिटेल आ जाएगी आपके पास अनरजिस्टर्ड की, ये तो आपको लिखना ही लिखना है, सेम ही ऑप्शन आ जाएगा। और HSN कोड आपको कहाँ लिखना है, HSN कोड कब आएगा, जब हम स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं और स्टॉक आइटम क्रिएट करने के दौरान हम इसको यस करते हैं तो ये हमारी GST से डिटेल जो ऑप्शन हमारे पास आता है तो यहाँ पर आपके डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स यहाँ पर आ जाएगा। और उसके बाद में HSN कोड, ये आपका HSN कोड यहाँ पर आपको मेंशन करना है, और उसके बाद में इसका जो टैक्स रेट है, फाइनल क्या टैक्स रेट है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना होता है। तो ये सारी डिटेल यहाँ पर अगर हमारी फिलअप करी होगी तो ये इनवॉइस के ऊपर आ जाएगी। उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स वगैरह सारा कुछ यहीं आ जाएगा। क्वांटिटी डिटेल जब हम स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं और यूनिट हम क्रिएट करते हैं तो वहाँ से आ जाएगा।
उसके बाद में टोटल वैल्यू अपने आप ही आ जाएगी आपके पास। अब बात आएगी भी अगर हम इसको प्लेस अगर अलग अलग सप्लाई करते हैं, अगर हमारा बिल टू अलग है शिप टू अलग है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे। अब देखो क्या करते हैं, इंटरप्रेस करेंगे और जैसे ही हम लेजर पे जाने के बाद इंटरप्रेस करेंगे तो ये आपके पास डिस्पेस से डिटेल ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अब इसके अंदर क्या होगा, इनवॉइस हम बनाते हैं ना, तो ये जो इन्फॉर्मेशन हमारी रहती है यहाँ पर, इनवॉइस नंबर से रिलेटेड आपका मोटर व्हीकल का नंबर, डेट ऑफ डिलीवरी का, पेमेंट की कंडीशन क्या रहने वाली है, डिलीवरी का नोट क्या है, बायर्स का ऑर्डर नंबर क्या है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो हमारी इस टैक्स इनवॉइस पर यहाँ पर रहती है वो सारी इन्फॉर्मेशन अब आपको यहाँ से फिलअप करनी होती है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो ऑप्शन दिया होता है यहाँ पर डिस्पेस डिटेल्स का। तो इसके अंदर आपका डिलीवरी नोट डेट वगैरह, डिस्पेस का डॉक्यूमेंट नंबर क्या है आपका, आप जो डिस्पेस थ्रू जा रहा है, बाई रोड जा रहा है, बाई एयर जा रहा है, बाई रेलवे जा रहा है, ऑप्शन यहाँ पर लिख सकते हो। उसके बाद में आपका इसका डेजिग्नेशन यानी कि स्थान लिख सकते हो कहाँ पर जा रही है। उसके बाद में कैरियर या नेम या एजेंट या कोई ट्रांसपोर्टर का जो नाम है वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। उसके बाद में बिल ऑफ लैंडिंग आपका यहाँ पर जो बिल ट्रांसपोर्ट के द्वारा जो बिल्टिन दी जाएगी उसका नंबर यहाँ लिख सकते हो। मोटर व्हीकल नंबर आप यहाँ देख सकते हो सारा। उसके बाद में ऑर्डर डिटेल भी आपका कस्टमर का ऑर्डर क्या था, ऑर्डर नंबर क्या था, तो ऑर्डर नंबर आपको यहाँ लिखना है। और उसके बाद में मोड टर्म्स ऑफ पेमेंट भी, पेमेंट आपकी किस मोड के थ्रू आएगी, बाई बैंक आएगी, कैश आएगी, NEFT RTGS जो भी है। और उसके बाद में टर्म ऑफ डिलीवरीज भी, आप इस गुड्स को कितने दिन के अंदर पहुंचाने की कंडीशन है आपकी, 1 day, 2 days, 3 days, वो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो। और जैसे इसको हम इंटरप्रेस करेंगे और नेक्स्ट विंडो पे जाएंगे इसको सेव करने के बाद में, तो ये सेकंड ऑप्शन आपके पास फिर खुल जाएगा पार्टी डिटेल्स की। तो ये ऑप्शन आपके पास यहाँ आ जाएगा। अब दोनों ऑप्शन के अंदर क्या आ जाएगा, एक तो आ जाएगा बायर्स बिल टू, बिल टू के ऑप्शन के अंदर आपको क्या मेंशन करना है, और उसके बाद में कंसाइनी शिप टू यानी कि इस माल की डिलीवरी आपको कहाँ पर देनी है। तो दोनों एड्रेस सेम है तो दोनों में सेम आ जाएगा, अगर अलग अलग है। अब अलग अलग होने का मतलब क्या आ गया, अब मान लीजिए आपकी ABC कंपनी है लेकिन इसका हेड ऑफिस है रायसेनगर और इसकी ब्रांच एक है श्रीगंगानगर में। तो अब मान लीजिए आपको जो गुड्स है वो श्रीगंगानगर की ब्रांच में पहुंचवाना है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या लिखोगे, ABC कंपनी शिप टू के अंदर मैं लिख दें, और उस एड्रेस के दौरान उसका रायसेनगर की बजाय उसका श्रीगंगानगर का एड्रेस आने वाला है। और उसके बाद में सारी डिटेल्स यहाँ पर नीचे, अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास नहीं आती है तो आपको करना क्या होगा, F12 प्रेस करना होगा कॉन्फ़िगरेशन, और उसके बाद में ये जो जनरल डिटेल्स हैं इसके अंदर आपको ये सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। इसके अंदर क्या रहेगा, प्रोवाइड डिस्पैच ऑर्डर एंड एक्सपोर्ट डिटेल्स, प्रोवाइड ऑर्डर डिटेल्स, अगर आपकी कंपनी अगर अदर कंट्रीज के अंदर कोई गुड्स को सेल कर रही है तो एक्सपोर्ट डिटेल को भी आप यस कर सकते हो। तो ये थी हमारी कुछ बेसिक ऐसी सेटिंग। बाकी आपको AGT जैसा कि हम सेल इनवॉइस इशू करते हैं वैसे ही आपको सेल इनवॉइस इशू करना है। उसके बाद में जैसा कि हम सारा कुछ सेम करने के बाद में इस ऑप्शन पर आएंगे, प्रोवाइड GST एंड ई बिल की जो डिटेल है, ई इनवॉइस की और ई बिल की, इसके ऊपर आपको यस करना है। और यस करने के बाद आपको जो भी ई बिल आपका जनरेट हुआ है वो ई बिल का नंबर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में सारी डिटेल्स वगैरह, किलोमीटर वगैरह जो भी हमारी इसके अंदर रहेगी, जैसे इसको हम कंट्रोल ए करेंगे उसके बाद डिटेल आ जाएगी आपकी ई इनवॉइस की। तो आपका जो एनक्लोजमेंट नंबर आपको यहाँ लिखना है, IRN नंबर आपका यहाँ पर लिखना है। अगर आप डायरेक्टली टेली सॉफ्टवेयर के थ्रू आप ई इनवॉइस जनरेट करते हो तो ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, टेली सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक वहाँ से इसको फिलअप करके ऑटोमेटिक यहाँ पर टाइप कर देता है, तो आपको ये मैनुअल लिखने की जरूरत है नहीं। और इन इशूमेंट को हम सेव करेंगे तो जैसे हम इसको प्रिंट देंगे तो ये हमारा प्रिंट कुछ इस तरीके से निकल के आएगा। तो दोस्तों आई होप कि इस वीडियो से जरूर आपको कुछ सीखने को मिला है, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी एक फ्रेशर अकाउंटेंट के लिए। तो अब टैक्स इनवॉइस जो भी आप बनाओगे आपको ये सारी बातें ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के टैक्स इनवॉइस को इशू करना है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें, अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी ज़रूर कर लेना।